अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। व्यूअर, आज मैं आपको एक ऐसे कैप्सूल के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक ऐसा मैंने कैप्सूल जो है मैं आपको बताऊंगा जो कि इंसानों के साथ साथ परिंदों में भी, यानी कि ये जो आज की मेरी वीडियो है ये उन हज़रात के लिए है जो यानी कि अपने घर में परिंदे रखते हैं, यानी कि तोते हो गए या फिर मुर्गियाँ वगैरह जो है वो अपने घर में रखते हैं, तो उनको जो है सांस की बीमारी हो जाती है या फिर उनको बुखार हो जाता है या फिर वो जो है सुस्त या ढीलापन का यानी कि महसूस करते हैं। ऐसे लगते हैं कि वो चला चुस्त नहीं है, वो जो है अच्छी तरह से जो अपने उनके यानी के अंदर यानी कि जिस तरह से यानी कि अगर मुर्गे वगैरह हैं तो अगर वो जो है लड़ नहीं पा रहे तो इस तरह से जो है वो चुस्त नहीं लग रहे, तो आपको जो है आपने ये मेडिसन जो है इस्तेमाल करवानी है। जी हाँ व्यूअर, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और ऐसी और मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस लाजमी करें। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आती तो मुझे कमेंट लाजमी करें। जी हाँ व्यूअर, अगर आप जो है परिंदे रखते हैं, आपके परिंदे को यानी कि खरखराहट की यानी कि उससे आवाज़ सुनते हैं, खरखराहट की आवाज़ें आती हैं या फिर जो है उनका सांस नहीं आता, तो आप जो है ये मेडिसन यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ व्यूअर, ये जो कैप्सूल मैं आपको बताने वाला हूँ इसका नाम है जी विप्रामाइसिन कैप्सूल। इसका अगर हम फार्मूले की बात करें, इसका जो फार्मूला है वो है जी डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन ये एक जो है एक एंटीबायोटिक कैप्सूल है जो कि इस्तेमाल किया जाता है चेस्ट इन्फेक्शन में या फिर जो है आपको यानी कि नज़ला ज़ुकाम है उसमें भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके एक डब्बे में जो है 120 कैप्सूल होते हैं और इसके एक डब्बे की कीमत है वो सिर्फ और सिर्फ 1261 रुपये एक डब्बे की कीमत है, यानी कि एक कैप्सूल की कीमत जो है सिर्फ और सिर्फ 10 से 11 रुपए जाकर बनती है। अगर हम इसकी कंपनी की बात करें, इसकी जो कंपनी है वो है जी फाइजर कंपनी, जो कि बहुत ही बेस्ट है और एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी प्रोडक्ट जो है इफ़ेक्टिव होती है। अगर हम ये बात करें यानी कि इंसानों में, तो ये कि कैप्सूल इस्तेमाल होता है, एक कैप्सूल सुबह और एक शाम को जो है आप ले लेते हैं। और ये परिंदों में हम किस तरह से इस्तेमाल इसका करवा सकते हैं, परिंदों में जो है आपने ये इस्तेमाल करवाना है, ये कैप्सूल जब आप लेंगे तो इसको खोलना पड़ता है, यानी कि थोड़ा सा आप घुमाएंगे तो ये जो है इसके अंदर जो है खुल जाएगा और इसके अंदर जो पाउडर होगा वो जो आपने एक चम्मच पानी में डालकर जो है परिंदों को देना है सिरिंज के साथ, या फिर जो है जो वो पानी पियेंगे उसमें आपने 3 से 4 कैप्सूल डाल देनी है। अगर आप ये जो कैप्सूल हैं आप 3 से 4 दिन लगातार इस्तेमाल करवाते हैं अपने परिंदों को, तो आपके परिंदे जो है चुस्त हो जाएंगे, उनको नज़ला ज़ुकाम और खांसी खरखराहट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ, अगर आपको इसके अलावा कोई भी बात समझ नहीं आई या अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट लाजमी करें और ऐसी और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।